Good morning, everyone. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so much for the confirmation. चल स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो बेसिकली हमने कल तक जो पार्ट देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि कल तक का पार्ट आपके टेस्ट में आने वाला है. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट उसको हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे. आज हम लोग जितने हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं स्टार्टिंग फोर लेक्चर्स में, उन पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अब आपके पास खाली क्वाड्रेटिक का एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, बट वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. बट अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, मुझे इनका अप्रोच बताना एंड आइडिया देना कैसे इनको स्टार्ट करना है. सो हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज कवर कर रहे हैं आज बेसिकली. लाइक द फर्स्ट वन सर. यस बेटा. कल आपने जो असाइनमेंट दिया था उसका डिस्कशन कब होगा? बेटा उसका डिस्कशन जो आपका नेक्स्ट डीएस है उसमें होगा मोस्टली. आई थिंक आपका नेक्स्ट डीएस मेरा कब है, फ्राइडे को? नो सर, कल ही है. अच्छा थर्सडे, कल ही है. ठीक है, कल कर लेंगे. चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. फाइंड द साइन ऑफ रूट्स. Find the sine of roots of the equation. Find the sine of roots of the equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equal to 0. Basically, आपसे ये बोला है कि जो भी इसके रूट्स आएंगे उसका आपको साइन बताना है. साइन मतलब वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो जीरो है, वो रियल है या इमेजिनरी है. मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ. ऑप्शन को इस तरीके से दे रखे क्वेश्चन में, सो ताकि आपको चेक करना आसान हो जाए. फर्स्ट ऑप्शन है कि रूट्स आर पॉजिटिव. सेकेंड ऑप्शन है रूट्स आर नेगेटिव. थर्ड ऑप्शन है रूट्स आर रियल. एंड फोर्थ इज रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे सारे ब्रैकेट. यस, वेरी गुड. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. यस, पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पे फिर हम लोग इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे. So, इस स्टेप को मैं सॉल्व करता हूँ. मुझे बताना बस खाली कैलकुलेशन पार्ट. x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. जब आप फर्स्ट दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी. इन दोनों से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी. एंड इन दोनों से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो. सबको समझा मैंने क्या किया? यस सर. अब थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट देखना. x square plus x square plus x square. तो finally ये बन जाएगा अपने पास 3 times of x square. Next is, आप observe करो, minus ax minus ax. तो ये basically आ रहा है अपने पास minus 2 times of ax, minus of bx और minus of bx. तो ये हो गया minus 2 times of bx and minus of cx and minus of cx. तो ये हो गया minus 2 times of cx and बाकी जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है. दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ. तो अरेंज करने से ये कुछ ऐसा दिखेगा. थ्री एक्स स्क्वायर, इनमें से मैंने माइनस टू एक्स कॉमन लिया, तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी. नेक्स्ट अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी equals to zero.
नाउ अब अपने को मुझे बताओ कि हमको अगर नेचर ऑफ रूट चेक करना होगा या उसका साइन चेक करना होगा तो हम क्या चेक करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। नो। डिस्क्रिमिनेंट। यस डिस्क्रिमिनेंट हमने कल डिस्कस किया था डेल्टा। यस क्योंकि जब भी हमको नेचर ऑफ रूट या कुछ चेक करना हो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसका डेल्टा क्या है, बिकॉज डेल्टा से अपने को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर आगे हम सोचेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं डेल्टा की बात करूंगा। डेल्टा जो होगा अपने पास दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे बताना इस इक्वेशन में b का वैल्यू कितना है, कैपिटल b का? a प्लस b प्लस c माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c बेटा, क्योंकि वो x के साथ में जो भी लिखा होता है दैट इज कंप्लीटली काउंटेड एज b, तो माइनस 2 इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 4 टाइम्स ऑफ a, a की जगह पे आ जाएगा आपके पास 3 इंटू c, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सबको समझा मैंने क्या लिखा? यस सर। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस टू का स्क्वायर तो 4 हो गया, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन दोनों एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आएगा? 4। यस 4 कॉमन आ जाएगा। जब 4 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा देखना, ये बचेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मुझे याद दिलाओ मैंने आपको फॉर्मूला बताया है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। यस सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस आपके पास ट्वाइस ऑफ ac। नेक्स्ट इज आपने ऑब्वियसली 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए सी। मुझे कंफर्म करो सभी को ये स्टेप समझा मैंने क्या लिखा? यस सर। ओके चलो अब इसके बाद हम डेल्टा को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab minus 3ab तो ये हो जाएगा minus of ab, 2bc minus 3bc तो ये हो जाएगा minus of bc and 2ac minus 3ac तो ये हो जाएगा minus of ac। सबको यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? Yes yes sir। ओके अब एक चीज समझना बेटा, ये जो एक्सप्रेशन बना है ना दिस इज somewhat a special expression। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझना, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ इसको समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेगा, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट आगे के चैप्टर्स में। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ और इसको स्पेशल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली चेक करना। बाहर एक 4 लिखा हुआ था तो मैं उसमें से 2 बाहर रखता हूँ और एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कर सकता हूँ ना मैं? जो अपने पास बाहर लिखा था उसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ac। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा देखना कैसे। 2 टाइम्स ऑफ इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो 2b स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो 2c स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नेक्स्ट इज माइनस 2ab नेक्स्ट इज माइनस 2bc एंड नेक्स्ट इज माइनस 2ac। सबको ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके अब ये करने का बेनिफिट क्या है इसको समझना, मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी द होल स्क्वायर। वेरी गुड, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी द होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इसको बताओ? ए माइनस सी द होल स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस ए माइनस सी द होल स्क्वायर। और अब जो लास्ट टर्म बचा है उसको ऑब्जर्व करना, विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बी प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। बी माइनस सी द होल स्क्वायर। तो आप समझे मैंने इसको स्पेशल एक्सप्रेशन क्यों बोला था, ये देखो किस तरीके से कन्वर्ट हुआ ये। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि इस केस में आपके पास यहाँ भी एक स्क्वायर है प्लस यहाँ भी एक स्क्वायर है प्लस यहाँ भी एक स्क्वायर है,
तो क्या इतने सिंप्लीफिकेशन पार्ट से आप डेल्टा पे कुछ कमेंट कर सकते हो? सर डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यस वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म स्क्वायर के फॉर्म में बनी है, और अगर हर टर्म यू कैन से स्क्वायर के फॉर्म में बनी है तो आप खाली इतना यहाँ पे इजिली कमेंट कर सकते हो कि डेल्टा आपके पास जो भी होगा ना वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता. यस डेल्टा कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी इक्वल टू 0. तो इस एक्सप्रेशन से मैंने कमेंट किया कि डेल्टा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. अब अगर डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन रहेगा आपके आंसर के हिसाब से? रियल नंबर्स, इट शुड बी रियल, क्योंकि पॉजिटिव रूट या नेगेटिव रूट पे कमेंट करने के लिए रूट निकालना पड़ेगा. बट फिलहाल हमने डेल्टा ही सॉल्व किया, एंड डेल्टा से वी कैन ओनली कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट, वेदर इट्स रियल और इट्स इमेजिनरी. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा दैट शुड बी रियल, क्योंकि ये अपने पास कल हमने पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर रियल रूट. कभी भी आपका डेल्टा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर रियल रूट. अब मुझे बताओ सबको समझा है क्वेश्चन? ओके, देखो थोड़ा सा लेंदी था अपने पास, बट कैसा है ना कि लॉजिकल था, और यहाँ पे ये जो स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन था ये आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया भी है कि ये स्टेप जो है ये कुछ क्वेश्चंस में आगे और काम आएगा, एंड दिस वाज द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन जो एक आपके लिए नया था, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी आता था पहले से. चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. यस बेटा, सर जो इक्वेशन है जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो इक्वेशन में हमेशा आगे कुछ रहेगा कांस्टेंट? नहीं, अगर आगे नहीं भी रहा तो हम क्या करेंगे बताएं? जैसे यहाँ पे 4 था, सपोज करें यहाँ पे 4 नहीं होता तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इन दैट केस 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर लो, मतलब 1/2 को बाहर रखना और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना. बिकॉज किसी भी एक्सप्रेशन को हम किसी कॉन्स्टेंट से हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना बेटा? यस सर. हाँ, क्योंकि वो 2 के बिना ना ये पार्ट बनेगा नहीं, तो मुझे वो 2 नेसेसरी चाहिए होता है. तो ये एक्सप्रेशन जब भी बनेगा तो आप फिर वो 2 को एडजस्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो, अगर कांस्टेंट है तो उसमें से ले लो बेसिकली, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट हो जाएगा. ओके, ठीक है. चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताना. नाउ सॉल्व दिस वन, लॉग टू द बेस 4 of x minus 1 is equals to log to the base 2 of x minus 3, then find number of solutions. Find number of solution. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर. लॉग हमने पढ़ रखा है तो हमको आइडिया है इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. सो यू हैव 2 मिनट्स, इसको सॉल्व करो एंड मुझे आंसर बताओ. ओके, जस्ट अ मिनट, चेक कर लेते हैं. लेट्स सी बाकी लोगों का आंसर क्या आता है. सर लॉग का जो वो बेस के ऊपर जो नंबर रहता है रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी?
हाँ बेटा, जो भी अपने पास जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो, लाइक इन दिस केस x माइनस वन x माइनस थ्री, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सर वन ही आ रहा है. ओके चलो, वेरी गुड. ठीक है, क्या सभी का आंसर वन आया है? यस यस सर. ओके, वन इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन. चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मुझे बताओ, आपने इसको स्टार्ट करने के लिए अप्रोच क्या यूज किया? दोनों का बेस टू किया. यस, दोनों का बेस टू किया. सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो आपके पास था, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस फोर, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. वो भी कौन सा प्रॉपर्टी? जहाँ पे बेस में जो आपके पास पावर है वो टू का स्क्वायर है. तो इस पार्ट को आप लिख सकते थे वन बाई टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस टू इज इक्वल्स टू log of x minus 3 to the base 2. क्या यही किया आप लोगों ने? Yes. Okay, चलो वेरी गुड. इसके बाद क्या किया बताओ? Yes, sir. आपको इधर शिफ्ट कर, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 2 को शिफ्ट कर दिया. तो ये हो गया log to the base 2 of x minus 1 is equals to twice of log to the base 2 of x minus 3. What about the next step? X minus 2 का स्क्वायर. Yes, ये 2 को आप बेसिकली पावर में ले गए. तो अब ये ऐसा दिखेगा, log to the base 2 of x minus 1 is equals to log to the base 2 of x minus 3 का whole square. ये पूरा स्टेप करने का रीजन ही खाली ये था कि मुझे दोनों साइड के log का बेस सेम बनाना था, बिकॉज कहीं ना कहीं आई न्यू कि अगर log का बेस सेम हो गया और दोनों log इक्वल है तो उनके अंदर के वैल्यू भी इक्वल होने चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे I'll get the equation x minus 1 should be equal to x minus 3 का square. यही किया है आप सब लोगों ने? Sir, yes sir. Yes sir. Yes. Okay बेटा बोलो. Sir, जो पहले half था ना, मैं वो x minus 1 के power में ले गया, फिर squaring किया तो चलेगा? चलेगा चलेगा, कोई issue नहीं, वो भी चलेगा बेटा. That is nothing but the same approach. वो भी work करेगा. आपका equation बना होगा x minus 1 की power half equal to x minus 3, फिर आपने squaring किया तो आपको ये equation मिला. Yes, that can be done. Now, अब अपने को स्क्वायर को सॉल्व करना है एंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9. थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं. तो फाइनली आपको इक्वेशन दिखेगा x स्क्वायर माइनस 7x एंड 9 प्लस 1 तो 10 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स क्या आएंगे मुझे बोलो? माइनस 5x Yes, x minus 5 into x minus 2 is equal to 0. That simply means ki x equal to ek solution hoga 5 and second solution will be x is equals to 2. Ab dekho, janmuj ke question is tarike se diya gaya tha confuse karne ke liye ki usne aapko answer nahi puche. Usne kya bola? Number of solution batao. Agar preliminary solution dekhoge to aapko dikhega ki sir number of solution 2 hai, but maine bataya tha log mein directly answer mat dena. Log mein kya karoge ki pehle aapne find out kar liya, ab ek bar cross check kar lo. क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है कि आपके लॉग डिफाइन भी करने चाहिए. जब इस क्वेश्चन में आप x की जगह पे 5 पुट करोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब दिस 5 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, दिस 5 इज करेक्ट. अब मैं 2 पुट करता हूँ. जब 2 पुट करूंगा तो यहाँ तो पॉजिटिव है, दैट इज फर्स्ट पार्ट तो पॉजिटिव है, बट सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो क्या लॉग ऑफ माइनस 1 इट इज डिफाइंड? No, sir. No, log is not defined for negative real numbers. तो यहाँ पे आप सिंपल सा बोल दोगे कि हालांकि x equal to 2 equation का solution आया था, but that cannot be the solution of log. तो इस question में एक ही solution है. तो आपका final answer रहेगा number of solutions will be 1. ये आपका final answer होगा. अगर आपसे solution का value पूछेगा तो आपको पता है that 5 is the solution of this equation. So specifically इस question में ध्यान क्या रखना था वो आपको समझा? x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive
integers are two consecutive integers, then b square minus 4c is equals to, आपसे इतना बोला है कि इक्वेशन है x square minus bx plus c equal to zero, उसके जो रूट्स हैं वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब कौन से इंटीजर ये नहीं बताया, बट ये बोला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो बताओ कि b square minus 4c का वैल्यू कितना होगा। ट्राई करोगे एक बार? Yes, yes, बेटा, x and x plus 1 and both are integers, correct. चलो एक दो मिनट में आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आई डिस्कस दी सॉल्यूशन। सर, यस बेटा, वो पार्टिसिपेंट्स में ना रीनेम का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैंने ब्लॉक किया था, आई विल ओपन द ऑप्शन। हाँ, नाउ यू कैन रीनेम, नो इश्यूज। थैंक यू सर। या वेलकम। सर, यस बेटा, सर इसका आंसर अल्फा में आएगा? नहीं बेटा, इसका आंसर कांस्टेंट एक नंबर आएगा। द ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4, ये आपके चार ऑप्शन है।
सर वन यस बेटा वन इज द करेक्ट आंसर ओके क्या बाकी सबका भी आंसर आया है वन यस सर यस सर ओके वेरी गुड चलो जिनका आंसर नहीं आया एक बार देख लो इसको स्टार्ट कैसे करना है और पर्टिकुलरली इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है नाउ सबसे पहले एक चीज समझो ये वर्ड यहाँ पे जो दिया वो इम्पोर्टेंट था बिकॉज क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में कभी कभी कंडीशंस आपको इनडायरेक्ट वे में दे रखी होती है लाइक इन दिस केस आपको क्या बोला था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो अब इसका मीनिंग क्या है जब आप इसके रूट्स अज्यूम करोगे ना तो इसके रूट्स को आप कुछ ऐसा अज्यूम कर लो एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट अल्फा प्लस वन ऐसा बोल सकता हूं मैं यस और नो यस सर हाँ yes, तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि कभी भी आपके पास अगर रूट्स दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे तो आप रूट्स को इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो वन ऑफ द रूट इज अल्फा सेकंड रूट इज अल्फा प्लस वन अब इस केस में इम्पोर्टेंस क्या आता है समझना इस केस में इम्पोर्टेंस ये होता है कि अगर आपके पास दो रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो आप हमेशा बोलोगे कि इस क्वेश्चन का जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा वो हमेशा वन होगा ये समझा आपको यस सर हाँ नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर इन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली कि कभी भी अगर दो रूट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो उनका जो डिफरेंस ऑफ रूट रहेगा वो आपके पास वन रहेगा अब मुझे बताओ डिफरेंस ऑफ रूट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए वो अल्फा प्लस बीटा का माइनस फोर अल्फा बीटा करेक्ट तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर अल्फा बीटा याद है हमने इसको डिस्कस किया था कि कभी भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट यूज करना होगा तो ये फॉर्मूले को यूज करोगे तो अभी इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है अब स्टेप बाय स्टेप समझना अल्फा माइनस बीटा तो आपने वन बोल दिया इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2 alpha plus 1 2 alpha plus 1 जो होता था मैं उसको पूछ रहा हूँ बेसिकली आपसे लेट इसको आप इस तरीके से देखो कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है I can explain to you. रूट्स जो है वो मैंने अल्फा एंड अल्फा प्लस वन अज्यूम किए हैं बट टेक्निकली दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा ये मेरे रूट्स है बेसिकली सिर्फ एज पर द क्वेश्चन मैंने एक को अल्फा बोला और दूसरे को अल्फा प्लस वन बोला है बट अभी भी मैं इस इक्वेशन के रूट को अल्फा एंड बीटा ही अज्यूम कर रहा हूँ ठीक है तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो आई नो कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ बी अपॉन ए एंड एट द सेम टाइम इसी इक्वेशन के अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा C by A, that is this case में only C, ठीक है? ये सबको समझा? So basically, as per the condition given in the question, मैं यहाँ पे alpha minus beta को 1 put कर सकता हूँ, alpha plus beta को B put कर सकता हूँ, and alpha beta को C put कर सकता हूँ। अब जब मैं इसको simplify करूँगा, तो यहाँ पे observe करो आपके पास क्या बनेगा? Alpha minus beta का square, that is equal to 1. अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड अल्फा इनटू बीटा इज सी आपको जो इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो डायरेक्टली क्रिएट हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू वन देखो ये जो रूट्स है ना अल्फा एंड अल्फा प्लस वन ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है एक्चुअल इक्वेशन के जो रूट्स मैंने अज्यूम किए हैं ना वो अल्फा एंड बीटा ही है तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो कि सर आपने रूट्स यहाँ पे अल्फा बीटा बोला फिर आपने अल्फा अल्फा प्लस वन लिया नहीं दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन जिससे मुझे ये पता चला कि जब मैं इन दोनों रूट्स का डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे हमेशा वन या माइनस वन मिलेगा ये मुझे ध्यान रखना है दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड जब मैं इन दोनों या इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे कमेंट करूंगा तो वो तो स्टैंडर्ड है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए तो मैंने उन कंडीशंस को लिखा एंड कभी भी मेरे पास अगर डिफरेंस ऑफ रूट आएगा सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट आई हैव मुझे कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ मुझे इन वैल्यूज को प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा हाँ अब मुझे बताओ सर वो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 वो सिर्फ कंसेक्यूटिव के लिए ही होगा यस बेटा वो सिर्फ कंसेक्यूटिव के लिए होगा टेक्निकली इसको हमको 1 भी नहीं बोलना चाहिए इसको हमको ऐसा बोलना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो प्लस माइनस 1 में से कोई एक होगा
क्यों? बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा छोटा रूट है कौन सा बड़ा रूट है, तो या तो प्लस वन होगा या माइनस वन, बट इन आइदर ऑफ द केस जब स्क्वायर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वन बन जाएगा बेसिकली. ओके सर. एक सेकेंड. हाँ, यहाँ पे आप उसको प्लस माइनस वन कुछ भी ले सकते हो बेटा. द रीजन इज कि आप फॉर्मूले में हमेशा स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस वन लो या माइनस वन लो, फाइनली आपको सेम आंसर मिलेगा. तो सर ये फॉर्मूला मतलब वो अल्फा और अल्फा प्लस से डिराइव नहीं हुआ ना, ये मतलब जो पहले से था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है बेटा, ये रूट से नहीं आया, ये अपने पास आपको मैंने चेक करके बताया भी था कि दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, उससे डिराइव हुआ है. तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं. नहीं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू द वन लिखा है वो. अच्छा, ये स्टैंडर्ड ही था ना? हां, मतलब ये बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए बस खाली, कि जहां पे आपके पास दो रूट्स कंसेक्यूटिव होंगे उनके लिए हमेशा ये ट्रू होगा, बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा आपको वन मिलेगा. ओके. हाँ सर, एक बुक में एक फॉर्मूला था अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए. वो ही सेम करेक्ट है? नहीं, वो सेम चीज है. आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, देखो क्या होता है ना कि वो मॉड वाला पार्ट इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हैं, अगर स्क्वायर को हटाओगे तो वो मॉड बन जाएगा. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसको हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर अल्फा बीटा. मुझे बताओ इन अ नॉर्मल इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस बी अपॉन इक्वेशन. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा? सी अपॉन ए. सी अपॉन ए. अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो. जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. इन दोनों का एलसीएम आपने ले लिया ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मतलब क्या होता था? डी. डी दैट इज डेल्टा. तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए स्क्वायर. अब हमने पढ़ा है कि कभी भी आप अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो उसने उस तरीके से लिख रखा है उस क्वेश्चन को कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, या तो आप इसको लिखो प्लस माइनस ऑफ डेल्टा अपॉन या रूट डेल्टा अपॉन ए, या फिर इसको आप लिखो मॉडुलस ऑफ रूट डेल्टा अपॉन ए. इट इज द सेम थिंग. अभी समझे सर? कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि यूज कर सकते बट इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो. बट क्या होता है ना कि देखो, आप या तो फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो या फिर उसका डिराइव्ड फॉर्म, दोनों का आंसर एक ही आएगा. आप चाहो तो इस क्वेश्चन में इसको भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए अगर आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा को लेकर सॉल्व करते तो आपको यहाँ से भी सेम आंसर मिलता. द कंफ्यूजन विल बी कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बोला कि डिफरेंस ऑफ रूट की जब आप बात करोगे तो आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. अब डिफरेंस ऑफ रूट प्लस वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया ताकि मेरा कंफ्यूजन अवॉइड ही हो जाए कि वो प्लस वन होगा या माइनस वन, मेरा कंसर्न ही नहीं है बिकॉज स्क्वायर करने वाला हो तो अपने आप सेम आएगा. तो ये फॉर्मूला जो है ये बोलूंगा ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और इसकी हेल्प से आपने सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया है, तो इसको आप समझ सकते हो. बट इसको डायरेक्टली यूज करना मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा. द रीजन इज के यहाँ पे आपके पास मॉडुलस को भी सॉल्व करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं साइन को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा बस खाली. बट ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, डायरेक्टली यूज कर सकते हो और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको सीधा आंसर भी मिल जाएगा. सो दोनों फॉर्मूले एक ही है, सिर्फ उसको एक दो स्टेप में डिराइव कर रखा है बस खाली उन्होंने. ओके सर. ओके चलो, और किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? सर. हाँ बेटा बोलो. सर इसमें मैंने दूसरा मेथड यूज किया. बताओ कौन सा? सर मैंने अल्फा बीटा को अल्फा प्लस वन लिया, फिर उसको सम के फॉर्मूला में डाला था, टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू बी आया, और प्रोडक्ट में डाला था स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी आया, तो उसको बी स्क्वायर फोर इज सी में डाला तो आंसर वन आ रहा है. चलेगा चलेगा, वैसे भी कर सकते हो. देखो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, याद करना मैथमेटिक्स है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड मिलेंगे. बट सिर्फ क्या मैंने कि बोला कि लॉजिकली आप करेक्ट होना चाहिए और आपका फाइनल इक्वेशन सेम बनना चाहिए. यहाँ पे वही हुआ, जहाँ पे जो आपने सॉल्व किया वो सेकंड मेथड करेक्ट है, वो प्रॉपर मेथड भी है कि आप बीटा की जगह पे अल्फा प्लस वन लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्वाइस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू बी, ये आपका एक पार्ट हो जाएगा. और सेकेंड इक्वेशन मिलेगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू सी,
अब आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर। यस सर, मैंने भी यही यूज किया। चलेगा चलेगा, ये मेथड भी करेक्ट है। देखो अगेन क्या हुआ, मैथमेटिक्स ही है बेसिकली, वहां पर आके कैसे भी सॉल्व करो यू विल गेट द आंसर। मैंने आपको पर्टिकुलरली ये स्टेप इसलिए बताया ना बिकॉज हमने डिफरेंस ऑफ रूट पर बेस ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखो कि डिफरेंस ऑफ रूट पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया बस। सबको ये मेथड क्लियर है? और सर वो मॉड्यूलस में दोनों देखेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन। हाँ, इसलिए मैंने वो मेथड पे स्किप किया क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो मॉड्यूलस में आपको प्लस माइनस दोनों देखना पड़ेगा तो कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने इस मेथड को स्किप कर दिया। बट टेक्निकली अगर इस मेथड से भी सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, फाइनली आपको सेम आंसर मिलेगा। बट सिर्फ क्या होता है ना कि मॉड्यूलस को हम लेके क्वेश्चन को और लेंदी बनाते हैं, इसलिए मैंने उस मेथड को स्किप किया बस खाली। बट देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहां पे इसको हम यूज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां पे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो आप। हाँ, ट्राई दिस वन। इफ वन माइनस पी इज अ रूट of quadratic equation, if 1 minus p is a root of quadratic equation, x square plus px plus 1 minus p is equal to 0, then find its एग्जैक्ट रूट्स। बेसिकली आपको ये बोला है कि 1 माइनस पी इस इक्वेशन का एक रूट है, तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स वो क्या होंगे। ट्राई करोगे एक बार? यस। चलो यू हैव 2 मिनट्स, सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। कांस्टेंट के फॉर्म में मिलेंगे या वेरिएबल? नहीं बेटा, कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी दे रखा था। अब आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टेंट, बेसिकली नंबर्स के फॉर्म में रहेगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे। सर माइनस वन एंड जीरो। ओके माइनस वन एंड जीरो। यस यस, करेक्ट रूट्स, करेक्ट आंसर। ओके सभी लोग ट्राई कर लो एक बार जल्दी से, लास्ट 1 मिनट फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का।
सर वन एंड जीरो बेटा इट्स माइनस वन एंड जीरो. चलो एक बार जल्दी चेक कर लेते हैं. Let's see कि आप लोगों का कहां मिस्टेक हो रहा है. Yes, sir. So, हाँ, मुझे बताओ आपने अप्रोच कैसे स्टार्ट किया इस क्वेश्चन का. सर जो ये वन माइनस पी. यस जो आप करेक्ट है जो आपको रूट दे रखा है दैट इज वन माइनस पी. Obviously, if that is the root of the equation, तो उसको इस equation को satisfy करना चाहिए. तो आप क्या करोगे? इस equation में one minus p को put कर दोगे. तो ये दिखेगा one minus p the whole square plus p times of one minus p times of अच्छा x तो हो गया already plus one minus p is equals to zero. अब मुझे बताओ इन तीनों में से common क्या आएगा? डायरेक्टली भी चलेगा. अगर डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा बट कॉमन लेने से क्वेश्चन और आसान हो जाएगा. मैं दोनों मेथड बता देता हूँ. देख लो वन माइनस पी में कॉमन ले सकता हूँ तीनों में से. जब वन माइनस पी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन माइनस पी प्लस पी प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. जब आपने सिंप्लीफाई किया तो पी से पी कैंसिल तो यहाँ पे आपको दिखेगा टू टाइम्स ऑफ वन माइनस पी इज इक्वल टू जीरो और आई कैन से p is equal to 1. मुझे खाली इतना बताओ आपने डायरेक्टली किया हो या आपने कॉमन लेके किया हो. आपका दोनों केस में p equal to 1 आया है? हाँ सर. Yes, बस करेक्ट है. yes, देखो क्या हाँ आप कॉमन लेके करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. डायरेक्टली अगर इसको ओपन कर दोगे तो भी सेम मिलेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. आपको डायरेक्टली p equal to 1 आना चाहिए. अब p equal to 1 आ गया ऑब्वियसली 1 इज नॉट द रूट. मतलब मुझे एक चीज समझ गया कि जो इस इक्वेशन का एक रूट था दैट इज 1 माइनस p उसका वैल्यू कितना हो चुका है? जीरो. ये सबको क्लियर है कि इस इक्वेशन का एक रूट जीरो आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. अब अपने पास कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन में कि हमको इसके दोनों रूट फाइंड आउट करने हैं. सो अब मैं इक्वेशन को प्रॉपरली लिख लेता हूँ. इक्वेशन जो है वो था एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस पी इज इक्वल टू जीरो. ऑब्वियसली पी का वैल्यू मेरे पास वन आ चुका है तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में पी की जगह वन पुट करता हूँ. देखना क्या मिलेगा. ये मिलेगा x square plus x is equal to zero. ये सबको समझा? Yes, sir. Okay. Now, इन दोनों equation में से I can take x common. तो expression दिखेगा x into x plus 1 is equal to zero. जहां से you can directly comment के x के दो values हैं. पहला value होगा x is equal to zero and second value will be x is equal to minus 1. और यही वो values हैं जो आपसे पूछे गए थे कि इस इक्वेशन के फाइनल रूट्स क्या होंगे. तो एक रूट होगा आपके पास जीरो और एक रूट होगा आपके पास माइनस वन. क्या आप सब लोगों ने भी ऐसा ही कुछ टेक्निक यूज किया है? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. अब मुझे बताओ किसी को डाउट इस पार्ट में कहीं भी? सर लास्ट में हमने सब्स्टिट्यूट क्यों किया? डायरेक्ट पहले वाले से कमेंट नहीं कर सकते थे. मतलब कौन से वाले से बेटा? p = 1. p = 1 से तो किया हम लोगों ने. देखो यहाँ तो आप या दो चीजें हैं. या तो आप p इक्वल टू वन निकाल के रूट निकालो. तो मैंने एक रूट को जीरो निकाल लिया. ठीक है. अब एक रूट जीरो आ चुका है तो आप इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर सकते हो, वहां से भी आपको आंसर मिलेगा. एंड सेकेंडली ये है कि मैंने p इक्वल टू वन पुट करके इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर दिया और अब वो जो इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना है मैंने उसको सॉल्व कर दिया. तो इन आइदर ऑफ द केस आपको आंसर सेम मिलेगा. आप कैसे भी सॉल्व करो. ओके मुझे इतना बताओ कि सपोज करो इस इक्वेशन जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन के रूट्स हैं अपने पास अल्फा एंड बीटा. तो एज पर द इक्वेशन मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आना चाहिए? माइनस पी. माइनस पी. हाँ अल्फा प्लस बीटा का आपका सम आ जाएगा माइनस पी. अब मुझे बताओ आउट ऑफ द टू रूट अल्फा एंड बीटा हमने अभी कमेंट किया कि एक रूट जीरो है क्योंकि एक रूट वन माइनस पी था और पी इक्वल टू वन आया था. ये समझा? एक रूट आपके पास वन माइनस पी क्वेश्चन में दे रखा था और पी इक्वल टू वन था मतलब एक रूट जीरो है. सो लेट से अल्फा को मैंने जीरो अज्यूम कर लिया. अब बीटा मुझे फाइंड आउट करना है और पी का वैल्यू हमने सॉल्व किया दैट इज इक्वल टू वन. तो यहाँ आ जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस वन. तो यहाँ से आपको सेकेंड रूट मिलेगा बीटा इक्वल टू माइनस वन. चाहो तो सम से भी सॉल्व कर सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू माइनस वन. दीज आर दी टू सॉल्यूशन. आप कैसे भी सॉल्व करो घूम फिर के आपको आंसर सेम मिलेगा. मैंने जो ये मेथड यूज किया मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में से जो पी अपने को रूट वाइज प्रॉब्लम दे रहा था उस पी को मैंने हटा दिया सॉल्व करके
और फिर मैंने इक्वेशन बनाया एंड प्रॉपरली रूट निकाल लिया, जिससे क्वेश्चन और इजी वे में आ गया। बट यस, आंसर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम रहेगा, सिर्फ ये है कि हमने मेथड या स्टेप्स को चेंज किया। हाँ, और बताओ किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? अल्फा को 1 माइनस की अज्यूम किया ना? अल्फा को कोई भी अज्यूम कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बीटा को भी कर सकते हो, अल्फा को भी कर सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इस क्वेश्चन मैंने अल्फा को 1 माइनस पी अज्यूम किया। यस बेटा, सर आपने जो ये वाला जो सेकंड वाला इक्वेशन बनाया ना, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 वाला, यस सर, मैंने उसके अंदर फार्मूला मेथड लगा दिया है। चलेगा तो भी सेम आंसर आएगा? नहीं सर, अलग आ रहा है मेरा। चलो मुझे बताना, x स्क्वायर प्लस x में अगर आप फार्मूला मेथड लगाते हो तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या लिया बेटा आपने? 1, वेरी गुड। b का वैल्यू? 1 एंड c का वैल्यू? 0। अब मुझे खाली इतना बताओ, जो अपन रूट निकालने के लिए फार्मूला मेथड यूज करते थे वो ऐसा था, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था? यस सर। चलो अब वैल्यूज को चेक करना, माइनस बी मतलब माइनस 1, प्लस माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर मतलब हो गया 1, एंड माइनस 4ac तो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज सी 0 है। हाँ सर। बी होल अपॉन 2a मतलब 2। अब इसको समझो, x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यही बना है आपका भी? हाँ सर। अब यहाँ पे दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स को ऑब्जर्व करना, एक रूट होगा माइनस वन प्लस वन अपॉन टू और दूसरा रूट होगा आपके पास माइनस वन माइनस वन अपॉन टू। माइनस वन प्लस वन अपॉन टू तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 0 अपॉन टू। हाँ। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस टू अपॉन टू मतलब माइनस वन, सेम रूट। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुआ था सर? वो जरा नीचे 2 की जगह 1 ने लिख दिया था, 2 * 1 नहीं किया था इसके लिए। ओके, हाँ वो आपने ए वाला वैल्यू मिस कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। So, आप कैसे भी सॉल्व करो, सबके लिए है बेसिकली कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ आपके मेथड में कैलकुलेशन और लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सो इजी क्वेश्चन है, इट सेज एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है, जल्दी सॉल्व कर लो, आसान पार्ट है। नहीं बेटा, ऑप्शन में तो रियल नहीं दिया है, रियल आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगे बेटा। सर इसके 3 रूट्स आएंगे रियल? नहीं बेटा, आई थिंक 2 रूट्स आने चाहिए सर। 0 और प्लस माइनस 1 आया? नो, थोड़ा सा मिस्टेक है।
सर वन एंड माइनस एट यस वन एंड माइनस एट द करेक्ट करेक्ट आंसर बेटा चलो आई थिंक काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आ गए हैं ठीक है मुझे अप्रोच बताओ कि जिन्होंने भी सॉल्व किया उन्होंने स्टार्ट कैसे किया क्वेश्चन को x raised to 1 upon 3 को 2 assume किया फिर t square परफेक्ट है सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक था नहीं इसको आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना था तो कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो गया कि आपने x to the power 1/3 को t assume किया जैसे ही आपने x की पावर 1/3 को t assume किया तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा x to the power 2/3 is equal to t square अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा इसको समझना इसको आप लिखोगे t square plus t minus 2 is equal to 0 एंड ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना आप सभी को आता है सो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं t square plus 2t minus of t minus 2 is equal to 0 t common लिया तो ये हो जाएगा t plus 2 minus 1 common लिया तो ये हो जाएगा t plus 2 is equal to 0 मतलब t minus 1 into t plus 2 is equal to 0 तो यहां से आपको t के दो वैल्यूज मिले हैं t is equal to 1 this could be first solution and t is equal to minus 2 ये रहेगा आपके पास second solution obviously हमको t find out नहीं करना था हमको कहीं ना कहीं x find out करना था तो अब हम क्या करेंगे x की पावर 1/3 इसको t से रिप्लेस कर देंगे so I can write the same equation as x to the power 1/3 is equal to 1 or x to the power 1/3 is equal to minus 2 अब अगर मुझे x find out करना है तो मुझे दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा so cubing both the sides यहाँ पे आ जाएगा x is equal to 1 cube that is nothing but 1 तो ये रहेगा आपका first part of solution x equal to 1 यहाँ पे भी क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा x is equal to minus 2 का cube and minus 2 का cube is nothing but minus of 8 तो ये होंगे आपके दो सॉल्यूशन x is equal to 1 and x is equal to minus 8 मुझे बताओ सबने ऐसा ही कुछ मेथड यूज किया है यस सर सेम यस सर सेम ओके इस क्वेश्चन में किसी को भी कुछ डाउट एनीवन सर अगर स्टार्टिंग में क्यूब टेकिंग क्यूब रूट कर दे बोथ साइड तो इस इक्वेशन में बेटा यस सर नहीं अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगी मुझे एक सिंपल चीज बताओ अगर मैं लिखूं 27 वो होल क्यूब हाँ वो होल क्यूब हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 27 plus 8 is equal to 35 तो ये इक्वेशन करेक्ट है सबको पता है अब अगर आप क्यूब रूट इस तरीके से लोगे कि 27 का क्यूब रूट 3 plus 8 का क्यूब रूट 2 और 35 का क्यूब रूट रूट 35 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 35 तो क्या ये इक्वेशन भी करेक्ट है नो तो एक चीज ध्यान रखो कभी भी आप अगर क्यूब रूट या स्क्वायरिंग करते हो ना तो उसका एक सिंपल सा रूल है कि लेफ्ट साइड में जो भी टर्म लिखा हुआ है उसका नेट क्यूब रूट होगा और राइट साइड में जो टर्म लिखा है उसका नेट क्यूब रूट होगा कभी भी इंडिविजुअल टर्म का क्यूब रूट नहीं होगा बेटा ध्यान रखना उसको ठीक है जैसे आप स्क्वायरिंग में करते थे ना कि स्क्वायरिंग करते हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे फिर ए प्लस बी का स्क्वायर लिखते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे तो हम कभी भी डायरेक्टली टर्म्स का स्क्वायर या क्यूब नहीं करते या स्क्वायर रूट नहीं करते हमेशा हम लोग उसके ब्रैकेट में या पूरे टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप को ध्यान रखो इसलिए ये मिस्टेक आपका हुआ चलो और मुझे बताओ और कुछ डाउट किसी को इस क्वेश्चन में एनीवन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको सॉल्व कर लो इफ the roots of equation if the roots of equation x square minus of 8x plus a square minus 6a is equals to 0 are real if the roots of this equation are real then Find the range of A. Then find the range of A. हमने कल जो क्वेश्चन किए ये उस टाइप का क्वेश्चन है मुझे बता दो स्टार्टिंग का स्टेप या लॉजिक क्या होगा बस खाली इस क्वेश्चन का सर वो
डेल्टा को उससे रिलेट करेंगे। यस, डेल्टा की कंडीशन आप यूज करोगे और वहां से आपको एक एक रेंज मिलेगा। सॉल्व करो। कल हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप ये इजीली सॉल्व होना चाहिए। इन इक्वेशन को आपको यूज करना पड़ेगा, सो कंप्लीटली इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। यू हैव 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर -228 स्क्वायर ब्रैकेट। यस बेटा, करेक्ट आंसर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -228। ओके, सभी का सेम आंसर आया है। यस बेटा, सेम आंसर। यस सर, अगर ए को हमेशा पॉजिटिव रखे तो वो साइन चेंज नहीं करने पड़ेगी ना बेबी कर्व में, जो भी वो वेरिएबल है। हां हां करेक्ट है, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो कभी आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, लास्ट 1 मिनट, जिनका सॉल्व हो रहा है जल्दी सॉल्व करो एंड आंसर क्रॉस चेक करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ इस पार्ट का। ओके, सो इस पार्ट का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ कल हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चन देखे थे, तो ये उसी पार्ट पे बेस्ड है। जल्दी से जिनको नहीं आया वो खाली सॉल्यूशन के स्टेप समझ लेना प्रॉपरली। सो क्वेश्चन में आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी थी। एंड एज पर द कंडीशन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रियल, तो रियल रूट की कंडीशन थी अपने पास के डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। Now, if delta is greater than equal to 0,
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करूंगा कि एज पर दी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास बी स्क्वायर जो हो गया वो तो हो जाएगा 64, दैट इज माइनस 8 का होल स्क्वायर इनटू 4 टाइम्स ऑफ ए इज 1 और सी जो है उसका वैल्यू बनेगा ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या सभी लोगों का फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन इक्वेशन यही बना था? यस सर. चलो इन दोनों में से आई कैन टेक 4 कॉमन. जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 16 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इस 4 को आप 0 में शिफ्ट कर सकते हो तो इन इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमने सिंप्लीफाई करते हुए देखा था कि अगर इन इक्वेशन में हाईएस्ट कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दो. सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय अ नेगेटिव साइन जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16. अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0. अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होंगे? सर 8 एंड 2 माइनस 8 एंड प्लस माइनस 8 a प्लस 2. यस, तो a माइनस 8 एंड a प्लस 2 ये होंगे इस इक्वेशन के फैक्टर्स. अब अगेन हमको आगे का पार्ट तो क्लियर है, हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपके पास 8 एंड माइनस 2. अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करके वी कैन गेट द एग्जैक्ट साइन कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा. सो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, सेकेंड वैल्यू विल बी 8. एज द कोफिशिएंट ऑफ ए इन ऑल द फैक्टर्स इज पॉजिटिव तो ऑब्वियसली लास्ट पार्ट पॉजिटिव एंड ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस. तो इस तरीके से आपका केस बनेगा. अब ये बनेगा आपका वेवी कर्व और वेवी कर्व के हिसाब से मुझे बोला गया था लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से आई विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन. लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर है माइनस 2 से लेके 8 तक. एंड एज इट कंटेन्स अ इक्वल टू साइन तो आपका ब्रैकेट भी स्क्वायर आ जाएगा. मतलब यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है दैट शुड बी फ्रॉम माइनस 2 टू प्लस 8. ये होगा आपका परफेक्ट आंसर. सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर. यस सर. क्या करते हैं? वापस बोलना बेटा, क्वेश्चन रिपीट करो. आप अगर ए फैक्टर्स में ए नेगेटिव रहता तो क्या करते? वीवी कर्व पे कैसे माइनस प्लस माइनस कैसे जाता? मतलब बेसिकली यहां पे नेगेटिव होता तो नो सर, नीचे फैक्टर्स में क्योंकि कुछ का साइन देखते ना वीवी कर्व. अच्छा ये वाला नेगेटिव? हां सर. हाँ, तो टेक्निकली बेटा ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता. उसका रीजन क्या है? ये नेगेटिव तब आता जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता. ठीक है, मैंने इसको पहले क्या बना लिया? पॉजिटिव बना लिया. जब मैंने इसको पॉजिटिव बनाया तो आई नो कि ये पॉजिटिव ही आना पड़ेगा. बिकॉज क्या होता है ना कि देखो नेगेटिव नंबर तब बनेगा या नेगेटिव ए स्क्वायर तब आएगा जब आपका एक ए नेगेटिव हो और एक ए पॉजिटिव हो. ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलता, बट आपका फिर साइन रिवर्स हो जाता तो फाइनली आपको आंसर सेम मिलता. आंसर में कोई चेंज नहीं होता. बट मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेसी को अवॉइड करने के लिए क्या करना, ना हमेशा इसको पॉजिटिव बनाना ताकि आपके सभी वैल्यू पॉजिटिव मिले और आपको एक ही सिमिलर टाइप का वेवी कर्व मिले. आप ऑब्जर्व करो, हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी में आपको यही टाइप का वेवी कर्व मिल रहा था. तो सर अगर ए पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो दो वेवी कर्व बनाने पड़ते? नहीं, वेवी कर्व एक ही बनता, सिर्फ उसका यू कैन से एक साइन चेंज हो जाता. मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, आंसर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड से, तो अब ये क्वेश्चन आपके पास कैसा होगा देखना. इसको ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो इसके फैक्टर्स पता है क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे माइनस ए प्लस 8, ये इसका एक फैक्टर होगा, और इसी का दूसरा फैक्टर होगा ए प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप चेक कर सकते हो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखना क्या आएगा. यहाँ पे माइनस ए इंटू ए तो माइनस ए स्क्वायर हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज 8a माइनस 2a, तो 8a माइनस 2a बिकम 6a एंड 8 इंटू 2 इज 16. अब यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है. फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 8 होगा, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 होगा. देन कम्स द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल 8 में माइनस आएगा नहीं आएगा ना बेटा. क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोलते थे? जहां पे फैक्टर जीरो हो. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ए प्लस 8 को जीरो करूं तो देखो इससे ए का वैल्यू कितना आएगा? प्लस 8 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास माइनस 2 को हमने प्लॉट किया,
फिर यहाँ पे हमने 8 को प्लॉट किया। अब आते हैं साइन स्कीम पे, तो इस क्वेश्चन में 1 a का साइन नेगेटिव है, तो अब लास्ट पार्ट को नेगेटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बनेगा इसका वेवी कर्व, ठीक है। बट अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि अब आपको जो आंसर है वो क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव आंसर कहां से कहां तक मिल रहा है, तो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है माइनस टू से लेके 8 तक। आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम रहेगा, सिर्फ क्या है ना कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू डिफरेंट मेथड्स, मैंने आपको सब कुछ एक मेथड से सिखा दिया ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन आए ना, ताकि आपको बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक ही मेथड में सबको डिराइव कर लिया बेसिकली, कहीं ना कहीं दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट आप देखो कि यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ये चीज करना उतना आसान नहीं था, तो टिपिकल हो जाता है, बट उसी को अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अभी समझे नेगेटिव पार्ट को डील कैसे करना है। हाँ, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि इस पार्ट को मत यूज करना, ये अननेसेसरी है। मतलब क्या है ना कि जब आप किसी चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो क्यों उसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। तो इसीलिए मैंने इस मेथड को आपको बताया भी नहीं है, बट यस लॉजिकली हमने इसको डिस्कस किया था कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि यूज दिस मेथड ओनली। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस बेटा। सर रूट्स आर रैशनल और इररैशनल के कुछ क्वेश्चन दीजिए ना। चलेगा, अभी हम कर लेते हैं डिस्कस, नो इश्यूज। पहले एक मैं नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ या सम ऑफ फ्रूट्स का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाला ले लेते हैं, रैशनल इरेशनल वाला। पहले एक इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द इक्वेशन हूज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन हूज रूट्स आर alpha plus 1 upon beta and beta plus 1 upon alpha. So basically एक equation दिया है आपको ax square plus bx plus c equal to 0, जिसके roots हैं alpha and beta. You need to form a new equation जिसके roots होंगे alpha plus 1 upon beta and beta plus 1 upon alpha. Try करो एक बार इसको. It belongs to the topic formation of quadratic equation. हमने सीखा है, एक बार try करो, फिर इसको discuss करते हैं।
सर न्यू रूट्स की वैल्यू यस बेटा सर न्यू रूट्स की वैल्यू माइनस बी इनटू ए प्लस सी अपॉन ए सी और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस टू आई है बेटा एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं पता बट मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन पता है अगर आप पूरा इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो आई कैन चेक सर ए स्क्वायर सी एक्स प्लस बी इनटू ए प्लस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बेटा थोड़ा सा मिस्टेक था एक बार चेक करना जो आपने लास्ट टाइम बोला है ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी वहां पे शायद से टू ए सी रहेगा थोड़ा सा एक स्लाइट मिस्टेक है यस सर 2 एसी आए हां सर 2 एसी आएगा यस यस वेरी क्लोज टू आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट ही था सर फिर उसको होल स्क्वायर में भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना यस एक्चुअली उसको लिखेंगे a प्लस c का होल स्क्वायर बेटा ओके सो इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं अब यहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट टाइम डिस्कस किया था आई सपोज लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि कभी भी फॉर्मेशन ऑफ रूट करना होगा तो आपको ओल्ड इक्वेशन की कंडीशन को लेके न्यू इक्वेशंस की कंडीशन क्रिएट करना पड़ेंगे लाइक इन दिस केस आपको एक इक्वेशन दिया था विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा एंड बीटा तो यहाँ पे आप पहला कंडीशन लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा ये हो जाएगा आपके पास सी अपॉन ए दीज आर दी टू गिवन कंडीशंस जो हमको यूज करनी है टू क्रिएट अ न्यू इक्वेशन अब जब मैं न्यू इक्वेशन की बात करता हूँ तो उसके जो न्यू रूट्स हैं उसका आपको वैल्यू दिया है न्यू रूट्स हो गए अपने पास अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एंड सेकेंड आपके पास जो रूट है दैट इज बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा न्यू रूट्स को लेके जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है सो पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे विच इज अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स एंड देन हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे पी विच इज अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा एक बार एस और पी का वैल्यू आ गया तो फिर हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं देखना इस एस को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू है दैट इज माइनस बी अपॉन ए और जो वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा है क्या इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा यस सर पता है ना हाँ नाउ सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का आपके पास वैल्यू आएगा इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b upon a the whole divided by alpha into c beta which is c by c a. By a इसको further simplify करते हैं तो s का value मिलेगा minus of b upon a minus of b upon c so finally आपको जो s का value मिल रहा है उसको मैं बता देता हूँ simplify करके ये मिलेगा आपको minus b common लेने के बाद a plus c the whole upon a c ये होगा आपका s का value that is sum of roots ठीक है अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी सॉल्व कर लेते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ रूट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन पहले अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में होगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा अल्फा इंटू बीटा सेकेंड टर्म अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा तो ये वन हो जाएगा नेक्स्ट इज वन अपॉन बीटा इंटू बीटा
तो ये भी 1 हो गया, और 1 अपॉन अल्फा इनटू 1 अपॉन बीटा, तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। सबको समझा मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ओके, नाउ इनके वैल्यूज पुट करते हैं। सो अल्फा इनटू बीटा, इसका वैल्यू था सी अपॉन ए, 1 प्लस 1 बिकम्स 2, और 1 अपॉन अल्फा बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन सी अपॉन ए, मतलब बेसिकली ए बाय सी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा ए सी, यहाँ बनेगा सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सबको ये स्टेप समझा? हाँ, अब जो न्यूमरेटर है सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ए स्क्वायर, मुझे बताओ उसको क्या लिखोगे? C plus A the whole square. Yes, उसको आप लिखोगे C plus A the whole square, the whole divided by AC. अब आपके पास sum of roots भी आ चुका है, आपके पास product of root भी आ चुका है, so मुझे बताओ जो new quadratic equation है, उसको हम क्या लिखते थे बेटा? AX square minus X. नहीं, X square minus SX plus P is equal to 0. इस तरीके से लिखते थे? Yes, sir. सर, पर इसमें AX square दिया है ना? नहीं बेटा, ए नहीं आता ना यहाँ पे। नहीं नहीं, देखो जो दे रखा है वो चीज अलग है, दिस इज एंटायरली डिफरेंट। ये जो इक्वेशन दिया है इसका न्यू इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट अल्फा एंड बीटा। कभी भी हम जो न्यू इक्वेशन बनाते हैं वहां पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, हम हमेशा इस इक्वेशन को यूज करेंगे। दैट इज वी नीड टू यूज ओनली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसको ध्यान रखो, आपको बाकी टर्म से कोई कंसर्न नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी दी होल अपॉन ए सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पी, पी हो जाएगा आपके पास ए प्लस सी का होल स्क्वायर अगेन अपॉन ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए सी। जब दोनों साइड ए सी से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा, इट शुड बी ए सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल इक्वेशन आना चाहिए, दैट इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। दिस शुड बी योर आंसर। क्या सभी का आंसर यही आया है? यस सर। यस ओके। यस बेटा। सर ऐसी पॉसिबिलिटी है जैसे ये वेरिएबल के फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम आया पर अगर डिफरेंट आता तो वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन सकता है? हाँ बन सकता है बिल्कुल, उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। सपोज करो यहाँ पे एसी आया और यहाँ पे बीसी आया, तो हम एलसीएम लेके उस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो भी चलेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट जनरली एक चीज ध्यान रखो, इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस 99.9% केस में ये दोनों सेम बनते हैं। इनफैक्ट आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने सब में ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक क्वेश्चन में इनका वैल्यू सेम बनता है और उसको सॉल्व करना इजी होता है। बिकॉज क्या होता है ना कि क्वेश्चन का एम कभी भी ये नहीं होता कि आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराओ, क्वेश्चन का एम होता है कि आपका लॉजिक चेक करना हमेशा। तो वो लॉजिक चेक करने के लिए उतना स्टेप काफी था, बाकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड इतना कभी नहीं आता, डोंट वरी। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब yes, हाँ, अरकान ने बोला तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो रैशनल इरेशनल वाली कंडीशन पे भी कि उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं था। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो एंड लेट मी नो कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। द क्वेश्चन सेज इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस ऑफ 7x प्लस के इक्वल टू जीरो आर रैशनल, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल देन फाइंड के। सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर।
सर वन एंड टू यस सर वन एंड टू यस बेटा करेक्ट आंसर सर ये सेम क्वेश्चन वो असाइनमेंट में है हाँ सर टेंथ क्वेश्चन ओके मे बी मैंने चेक नहीं किया उस चीज को सर रेशनल मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए ना एबीसी यस बेटा एबीसी जो है वो पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए देयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और रूट्स भी पी बाय क्यू के फॉर्म में आने चाहिए सर इसमें थोड़ा इनइक्वालिटी का भी यूज आएगा ना इनइक्वालिटी तो यूज नहीं आना चाहिए बेटा कंडीशन है रेशनल का खाली आपको उतना यूज करना है चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस के अप्रोच क्या होते हैं और मुझे खाली याद दिलाना कि रैशनल रूट की कंडीशन क्या थी कंडीशन और डी स्क्वायर होना चाहिए मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए हाँ सो आपके पास कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स जो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो सर ये है कि एबीसी जो है ना उसको आप रैशनल बना दो बिकॉज उसके बिना क्वेश्चन आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे और दूसरा ये है कि जो डेल्टा है That should be obviously greater than or equal to zero, but at the same time, वो डेल्टा आपके पास perfect square भी होना चाहिए because अगर perfect square नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो rational की जगह irrational में reduce हो जाएगा तो अब यहाँ पे मैं ए बी सी को ऑब्जर्व करता हूँ ए का वैल्यू है 6, which is rational, बी का वैल्यू है -7, which is also rational. अब यहाँ से खाली मैं इतना बोल सकता हूँ कि k जो भी होगा वो सिर्फ एक rational number ही हो सकता है उसके अलावा और कुछ possible नहीं है अब k का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो हम जस्टिफाई करते हैं इस डेल्टा वाले कंडीशन से सो यहां पे डेल्टा को ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि ग्रेटर देन आएगा नहीं बेटा इक्वल टू भी आएगा क्योंकि 0 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर 0 भी तो 0 का स्क्वायर होता है हां तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा कंडीशन आएगा ना ग्रेटर सॉरी बेटा वापस से बोलना एक बार नहीं इरेशनल में ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हां वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा बेटा ओके हां सो इन दिस केस अब मैं डेल्टा को सॉल्व कर लेता हूं डेल्टा हो जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस आपने रूल्स लिखवाए थे उसमें नहीं था इक्वल टू तो पुट कर देना रैशनल में इक्वल टू नहीं लिखाया था मैंने नो सर नहीं तो वहां पे कंडीशन डाल लो रैशनल जो है उसमें डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और इरेशनल वाले केस में सिर्फ डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहेगा ये कंडीशन वहां पे इनपुट कर लो बेटा ओके नाउ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया अपने पास -7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ac तो 4 * a का वैल्यू है अपने पास 6 दैट बिकम्स 24
तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 24 टाइम्स ऑफ के। अब यहाँ पे एक से समझना, अपने पास जो भी डेल्टा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए और एट द सेम टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए बेसिकली। सो यहाँ पे मुझे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली मैं कोई मेथड नहीं बोलूंगा, बट कैसा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है तो हमको कुछ ना कुछ के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है वो समझना। यहाँ पे आप के का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जीरो। सो मैं स्टार्ट करता हूँ के इक्वल टू जीरो से। मुझे बताओ जब मैंने के इक्वल टू जीरो पुट किया तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा? जब आपने k equal to 0 put किया, तो आपका डेल्टा का वैल्यू बेसिकली आया 49। एंड क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है? Yes. So it is obvious k equal to 0 पर डेल्टा 49 आया, it's a perfect square. तो k equal to 0 will be amongst one of your solution. ये आपका एक solution होगा for sure. अब यहाँ पे आगे इसको चेक करना बेसिकली, k equal to 1 put करते हैं। k equal to 1 put करने पे क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा इज इक्वल्स टू 25। क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपके पास के इक्वल्स टू 1 भी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज के इक्वल टू 2। के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। जब के इक्वल टू 2 पुट किया, डेल्टा इक्वल टू 1 आया, तो ये भी आपका एक सोल्यूशन हो गया, because 1 is also a perfect square. But अब जब आप 2 के आगे के वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास डेल्टा डिफाइन नहीं करेगा, तो इस केस को आप डिस्कार्ड कर दोगे कि यहाँ पे जो अपने पास के 2 के आगे के वैल्यूज हैं वो मेरे कोई काम के नहीं है, इसको मैंने प्राइमरी डिस्कार्ड किया। नाउ अब मैं आता हूँ नेगेटिव वैल्यूज पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाली ये तो नहीं कि k पॉजिटिव हो सकता है, k तो नेगेटिव भी हो सकता है अपने पास। तो अब अगर नेगेटिव वैल्यूज को चेक करूं, लेट अस से k इक्वल्स टू माइनस 1, k इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे क्या आएगा? 70। यस, 49 प्लस यू कैन से 24, सो डेल्टा इक्वल टू 73 हो जाएगा। क्या 73 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। नो, सो ये आपका आंसर नहीं होगा। सिमिलरली k इज इक्वल टू माइनस 2, इसके लिए बोलो 48 प्लस 49 97 होगा। सो डेफिनेटली ये भी अपना बेसिकली आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल चेक करते हैं हम लोग। अब आप बोलोगे कि सर हिट एंड ट्रायल में आप कितना चेक करोगे, तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो ऐसा नहीं होता। नाउ अब इसमें डिपेंडेंसी आती है ऑप्शन के ऊपर, कि आपको ऑप्शंस कुछ ना कुछ दे रखे होंगे, आपको सिर्फ पर्टिकुलरली वही ऑप्शन चेक करने हैं जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं और उसमें जो के का वैल्यू दिया है, अगर वो के का वैल्यू आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका आंसर है, अगर वो के का वैल्यू आपके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो बेसिकली वो आपका आंसर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन थे जिससे आप बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। इसका पहला ऑप्शन था माइनस 1, इसी का सेकेंड ऑप्शन था माइनस 1 कॉमा माइनस 2, इसमें थर्ड ऑप्शन था आपके पास माइनस 2, एंड इसी का फोर्थ ऑप्शन था 1, 2। अब आप चेक करो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन से ऑप्शन आपकी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? ऑप्शन डी, तो 1 और 2 ये आपका आंसर होगा। बट ऐसा नहीं है कि 1 और 2 इज द ओनली आंसर, हमने खुद चेक किया कि 0 पे भी अपने को आंसर मिल रहा है, तो बेसिकली 0 भी इसका आंसर है बट ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो हमको जो ऑप्शन दिया हमने वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक किया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के इसके अलावा भी कुछ और आंसर्स हों, बट ऑब्वियसली जो भी होगा हमको ऑप्शंस के थ्रू चेक करना है। तो दिस इज वन सच क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव वे में नहीं पूछ सकते, ये आपको ऑब्जेक्टिव वे में ही आ सकता है, बिकॉज़ इसमें जो कंडीशन है उसका डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ऑप्शंस पे आता है बेसिकली। सो कभी भी सर अगर इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया तो नहीं पूछ सकता बेटा। हर क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होता है कि हर क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से बोल नहीं सकते। द रीजन इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल टू चेक। क्यों? के का वैल्यू आप कुछ ना कुछ उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आपने k को पुट किया 13 अपॉन 24। यस, आप k को 13 अपॉन 24 पुट करो, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 36 आ जाएगा डेल्टा। क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है? यस।
यस ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा. तो आपके पास पता है ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन डिफाइन करना इज इम्पॉसिबल. ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी प्योरली ऑप्शन पे आता है, ऑप्शन के बेसिस पे ही इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसको हम प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते. अभी सर अगर हमने सोल्यूशन हाँ. निकाले और वो ऑप्शन में नहीं उनके अलावा कोई दे रखे तो हम कैसे उनका जस्टिफाई कर, चेक कर लोगे ना बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो टेक्निकली पता है मुझे ये स्टेप करना ही नहीं था, ये स्टेप जो मैंने सॉल्व किया ना आपके लिए ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, मुझे ये स्टेप नहीं करना था, मुझे सिर्फ ये लिखना था कि डेल्टा जो है दैट इज 49 माइनस 24 के, और अब मुझे इन के वैल्यूज को पुट करके चेक करना था कि किन वैल्यूज पर डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो आपका आंसर हो जाता. मैंने यहाँ पे फिर भी पांच वैल्यूज निकाले आपको समझाने के लिए, बट लॉजिकली मुझे इन पांच को सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि देखो जो भी आंसर क्वेश्चन में दे रखा होगा ऑप्शन में वो कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई तो करेगा, और ये कंडीशन तो आप लिख ही सकते हो, ये तो हमने सीखा है ऑलरेडी कि कंडीशन कैसे लिखना है. तो हम कंडीशन लिख के जो भी के का वैल्यू ऑप्शन में देगा उसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो के का वैल्यू अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स उस के को पुट करने पे हमको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो वो अपना आंसर है, नहीं मिलेगा तो वो अपना आंसर नहीं होगा, सिंपल सा. ठीक है, ओके सर. हाँ मतलब कहीं ना कहीं सर मैंने ऐसा यूज वन बाय वन बोलो बेटा. हाँ अरकान बोलो क्या राउट था सर. के हमेशा रैशनल होना चाहिए ना. अगर के को डायरेक्टली इक्वेशन का पार्ट दे रखा है, लाइक जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि के आपके पास सी था बेसिकली, तो यस रैशनल होना चाहिए बिकॉज तभी आपको आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे जो भी हमने आंसर लिखे हैं वो सारे रैशनल है, भले आप 0 बोलो 1 बोलो 2 बोलो या फिर 24 अपॉन 13 बोलो, वो सभी रैशनल वैल्यूज हैं. ओके और भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था आई सपोज. सर मैंने ऐसा यूज किया था 49 माइनस 24 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन यूज किया. चलेगा ग्रेटर इक्वल टू 0 तो वहां से आपको एक रेंज मिला होगा बेटा, वहां से आपको रेंज मिला होगा. सर फिर 0 इंक्लूड करने का क्या मतलब, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना. हां हां मैंने बोला ना इसलिए फर्स्ट 0 आपका आंसर रहेगा, बट वो 0 ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं बोला. बट यस 0 इज वन ऑफ द आंसर, 0 इंक्लूड करना है बेटा आपको. क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ. 0 जब आप लिखोगे ना तो 0 रखने पे आपको जो नंबर मिलेंगे वो इक्वल रूट्स होंगे और दोनों ही रैशनल होंगे, क्योंकि जो आपका रूट होगा वो कहीं ना कहीं बी अपॉन ए बन जाएगा, और आपने खुद बोला है कि बी भी रैशनल है और ए भी रैशनल है, तो रूट्स भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल. तो 0 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, इनफैक्ट 0 को आप लिख सकते हो 0 स्क्वायर. दैट इज द रीजन कि आपको डेल्टा को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों लिखना पड़ेगा बेटा, वहां से आपको रेंज मिलेगा पूरा कि के के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं. सर वो रेंज कैसे मिलेगा बेटा, वो रेंज मिलने के लिए अपन ने कंडीशन लिखी है ना यहाँ पे. देखो मैंने यहाँ पे लिखा था डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने डेल्टा निकाल लिया. अब ये डेल्टा अपने पास आया 49 माइनस ऑफ 24 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर लो, इस 24 के को राइट में शिफ्ट कर लो, तो ये मिलेगा 49. ऐसा बोल सकते हैं 0 हमेशा सॉल्यूशन रहेगा. यस 0 इसका हमेशा सॉल्यूशन रहेगा बेटा, क्योंकि डेल्टा 0 होने पे आपको ऑलवेज एक नंबर मिलेगा जो रैशनल रहेगा, सो 0 इसका हमेशा सॉल्यूशन रहेगा बेटा. k इज इक्वल टू 49 अपॉन 24, ये आपका रेंज आएगा. पर इस रेंज के सारे वैल्यू आपके सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज़ k 49 अपॉन 24 से छोटा होना चाहिए, ये हमको दे रखा है. बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान रखना है कि k का जो वैल्यू हो वो मेरे एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर भी बनाए. तो ये कंफर्म है कि जो भी आंसर होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, दिस इज क्लोज टू 2, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 या 2 से छोटा आएगा. आप खुद भी चेक कर सकते हो, हमारे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 से छोटे आ रहे हैं बेसिकली. तो ये आपको रेंज जस्टिफाई करने में हेल्प करता है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. सर मैंने यही यूज किया था तो फिर इससे ही आया था 2 और 1 और 0. हाँ पर देखो इसमें अगर आप एक चीज ये समझोगे कि आपके पास आपने लिखा कि k इज लेस देन 49 अपॉन 24, तो उस हिसाब से आपके चारों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि चारों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. 1 बोलो 2 बोलो -1 बोलो -2 बोलो. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर चेक किया था मैंने. हाँ करेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं आपने ऑप्शंस को चेक किया ना बेटा फिर, क्योंकि ऑप्शंस को चेक किए बिना उसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते. तो आपने बाद में पहले के से ये चेक कर लिया. हाँ अगर सपोज करो यहाँ पे एक ऑप्शन होता कि यहाँ पे 5 लिखा होता तो आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते कि नहीं सर 5 तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 5 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता. बट क्योंकि यहाँ पे जो आंसर लिखे थे वो सभी आंसर 49 अपॉन 24 से छोटे थे, तो आपने हर एक ऑप्शन को चेक किया और जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना वो आपका प्रॉपर आंसर हो गया. अभी सबको क्लियर है ये पार्ट?
सर इसपे ऐसे कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग करके देंगे रैशनल और इरेशनल पे? हाँ बेटा, मोस्टली आपको यही क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप का ही मिलता है। द रीजन इज के रैशनल इरेशनल के लिए कंडीशन क्या होती है ना, कि या तो आपको चेक करने को आता है कि चेक करो कि रूट्स रैशनल है या इरेशनल है, तो वहां पे आपको नंबर्स दे देगा, वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि वो चेक करने की बजाय बोल देता है कि रूट्स रैशनल है, अब बताओ के का वैल्यू क्या, तो वहां पे डिपेंडेंसी ऑप्शन पे आ जाती है, इसलिए मोस्टली इसमें क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं आपके पास। सर एक बार वो वाला कराइए ना, जब मैं दूसरा वाला तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, वो तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन होता है बस खाली। वहां पे आपको सिर्फ चेक करने को बोलता है कि चेक करो कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास रैशनल होंगे या नहीं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं अपने पास। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, उसमें डेल्टा निकालना रहता है, बस आपको डेल्टा ही चेक करना है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा क्वेश्चन आया, डायरेक्टली इक्वेशन दिया और बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सर ये बेटा आपकी आवाज आई थिंक पूरा कट हो गया, वापस बोलो। सर ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट में, ओके एग्जैक्टली सेम या आइडेंटिकल, मतलब इससे कुछ मिलता जुलता? नहीं सर, सेम क्वेश्चन है, सेम कोएफिशिएंट है। ओके ओके चलेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ जाता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे या इरेशनल। तो एक चीज तो कंफर्म कि इस केस में जो बी है वो इरेशनल हो गया, मतलब यहाँ पे जो रूट्स है आपके पास वो रैशनल तो हो ही नहीं सकते फॉर श्योर। अब मैं इसका डेल्टा चेक करता हूँ, इसका अगर मैं डेल्टा चेक करूंगा तो इसका डेल्टा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो इसका डेल्टा है वो अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी स्क्वायर हो गया फोर इंटू थ्री दैट इज ट्वेल्व माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे आ गया आपके पास फोर इंटू थ्री दैट इज अगेन ट्वेल्व, डेल्टा आ गया अपने पास जीरो। अब जरा इसके रूट्स की बात करना, जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो आपको मिलता था माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट डेल्टा अपॉन टू ए। जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा माइनस बी मतलब हो गया टू रूट थ्री, प्लस माइनस में तो जीरो हो गया अपॉन टू, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा इट इज इक्वल टू रूट थ्री। अब आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि जो रूट आया है वो रूट थ्री है विच इज नथिंग बट अ इरेशनल वैल्यू, तो आपका जो रूट होगा वो इरेशनल हो जाएगा। बट ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आप उतना इजिली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यस, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं लॉजिक को यूज करता था और इसी कंडीशन को घुमा के यूज करता था बेसिकली, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, लॉजिक भी इसमें प्रॉपर है, बट यहाँ पे सिर्फ चेक करना था मैथमेटिकली, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है रैशनल इरेशनल के केस में। अभी ठीक है? हाँ बेटा, इसमें डेल्टा इज इक्वल जीरो आया तो रियल एंड इक्वल डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं? रियल एंड इक्वल बोल सकते हो बेटा, बट रियल एंड इक्वल के साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन और भी बोलोगे, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे रियल इक्वल एंड इरेशनल, तीनों कंडीशन यस, यहाँ पे इन तीनों को एक साथ बोलना, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है, रूट्स रियल तो है बिकॉज डेल्टा जीरो है, इक्वल है बिकॉज अगेन डेल्टा जीरो है, और साथ में इरेशनल आए जो हमने रूट को फाइंड आउट कर लिया बेसिकली, तो प्रॉपर कंडीशन वाइज ये तीन रहेगा। जैसे इस कंडीशन का यूज कैसा है ना, कि क्वेश्चन कभी कभी आपको पता है इस तरीके से भी आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन ट्रू होते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस के फॉर्म में ऐसा लिख के दे कि फर्स्ट ऑप्शन है रूट्स आर रियल, सेकंड ऑप्शन है रूट्स आर इक्वल, थर्ड ऑप्शन है रूट्स आर इरेशनल, एंड फोर्थ ऑप्शन है रूट्स आर रैशनल। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, दैट इज रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल एज वेल एज इरेशनल। आप तीनों को साइमल्टेनियसली कमेंट कर सकते हो। अभी क्लियर है सबको? ऑप्शन में रियल एंड इक्वल ही था तो वही टिक करेंगे ना? चलेगा, अगर ऑप्शन में सिर्फ रियल एंड इक्वल है तो आप खाली उतने टिक करोगे बेटा। ओके सर। हाँ, मतलब ऑप्शंस में क्या होता है ना कि यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन जो आपके कंडीशन को सबसे ज्यादा जस्टिफाई करेगा, तो अगर आपके पास सिर्फ रियल एंड इक्वल है तो आप खाली उतने टिक करो, दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर। सर यस बेटा, सर जैसे इसमें एक इरेशनल था तो हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते कि रूट्स इरेशनली आएगा? नहीं बेटा, हमको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हमने कहीं भी ये नहीं बोला, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो याद करो, हमने कहीं भी इरेशनल की कंडीशन में ये बोला ही नहीं था कि एबीसी इरेशनल होनी चाहिए,
मैंने डायरेक्टली आपको क्या बोला कि बेटा डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और उसके बाद फिर आप रूट चेक कर लोगे। तो मैंने वो देखा, इनफैक्ट यहाँ पे डेल्टा भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिला क्योंकि वो जीरो हो गया। देन मैंने रूट को चेक कर लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, रूट को देख लेते हैं बिकॉज एबीसी तीनों रैशनल नहीं थे। हाँ, अगर एबीसी तीनों रैशनल होते और डेल्टा जीरो मिलता तो मैं बिना चेक किए बोलता कि नहीं इसके रूट्स रियल और यू कैन से रैशनल होंगे, बट क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू इरैशनल था तो रूट को चेक करना इज मैंडेटरी, उसके बिना मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता हूँ। एंड जब मेरे पास इक्वेशन है तो मुझे सिंपल सी चीज बताओ, मैं डायरेक्टली रूट निकाल के चेक कर लूंगा ना कि रूट क्या आ रहे हैं, रैशनल है या इरैशनल। आई हैव द फार्मूला। सर इरैशनल एंड इक्वल भी ऑप्शन है तो फिर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपके पास रियल एंड इक्वल भी है और इरैशनल एंड इक्वल भी है, ऐसा बोल रहे हो? इरैशनल एंड इक्वल बेटा, फिर दोनों ऑप्शन आएंगे इन दैट केस तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। यस यस बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकली इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो वो करेक्ट है, रियल इक्वल इरैशनल। तो अगर आपके पास रियल एंड इक्वल का ऑप्शन है तो वो भी करेक्ट है, आपके पास अगर इरैशनल एंड इक्वल का ऑप्शन है तो वो भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सर रियल मतलब ऑल द नंबर्स ना, रैशनल इरैशनल फैक्टर। हां 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 बिल्कुल, रियल मतलब एनी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको, तो यू कैन से ऑल द नंबर्स वेदर इट्स इरैशनल और रैशनल सभी रियल नंबर में काउंट होते हैं। ओके, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले आऊं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो एंड लेट मी नो द आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट पर बेस्ड है। द सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 and sum of their cubes is 98 and sum of their cubes is 98, then find the equation, then find the equation. आपको सिंपल सा कंडीशन दिया है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 2 है, और उनके क्यूब का सम दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 98, देन फाइंड द इक्वेशन। इजी है, जल्दी सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। सर वो आइडेंटिटीज वाला एक बार वो शीट भेजना ना, जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी लर्न करें। हां बेटा, मैं आपको बेसिक फॉर्मूले का शीट बना के सेंड करता हूं, मोस्टली आज सेंड कर दूंगा कंफर्म। दोनों फॉर्मूले इंटरलिंक्ड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यू गेट द सेम आंसर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16।
बेटा एक सी वाला टर्म चेक कर लो, लास्ट वाला, बाकी सब करेक्ट है, वो 16 की जगह सिर्फ 15 वाला होगा। -2x - 15 = 0। यस, x2 - 2x - 15। सर x square minus 2x minus 15 बेटा x square minus 2x minus 15 equal to 0। यस सर। ओके चलो जस्ट अ मिनट फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके सो इजी क्वेश्चन ही था, जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। खाली क्रॉस चेक करना कि आप लोगों ने सेम मेथड यूज किया है कि नहीं। सो अल्फा और बीटा को आपने रूट्स अज्यूम किया इक्वेशन का, आपको दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 98। टेक्निकली आपको एस और पी का वैल्यू चाहिए, जिसमें से एस आपको डायरेक्टली पता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो एस का वैल्यू तो 2 हो गया। अब आपको सेकेंड इक्वेशन को यूज करके P, that is alpha into beta, इसका value find out करना था। अब ये find out कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो alpha cube plus beta cube, इसका अपने पास formula है। बताओ कौन सा formula use किया आप लोगों ने? Sir, alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta bracket alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta. Okay, चलो मैं लिख देता हूँ। एक बार सब लोग cross check कर लेना, यही formula या फिर इसी का कोई part आपने use किया होगा। Alpha plus beta का whole cube माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको इस क्वेश्चन में सबसे इजी वे में आंसर दे देगा।
कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला आया कहां से? तो सिंपल सा, सभी को ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। Yes, sir. तो हमने सिर्फ उसको अरेंज किया है जिससे अपने को ये फॉर्मूला मिला। नाउ एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू अपने को दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 98। अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू भी दिया था 2, तो 2 का क्यूब बिकम्स 8। माइनस ऑफ 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हमको नहीं पता, और अल्फा इंटू बीटा ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 98 माइनस 8 तो इट बिकम्स 90 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू 2। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन माइनस 6। और फाइनली आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 15। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 15। अब अल्फा बीटा आ गया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पी। अल्फा बीटा आपको ऑलरेडी पता था, तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख दोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम आपके पास दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड p आपने फाइंड आउट किया, दैट इज 15। तो फाइनली ये आपका इक्वेशन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। क्या आप सब लोगों ने यही मेथड कुछ यूज किया? यस सर। यस। ओके, हो सकता है खाली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट यूज किया हो, बट मोर और लेस आपका कंडीशन और इक्वेशन सेम आएगा, तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, लॉजिकल, थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना और सॉल्व करना। क्वेश्चन इजी है, बट क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक के केस में थोड़ा मिस कर देते हो क्वेश्चन को, तो समझना क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन में आपको बोला है लेट पी एंड क्यू, दो नंबर से पी एंड क्यू, और एक कंडीशन दी है कि जो पी क्यू है ना वो कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 इसको बिलोंग करते हैं। मुझे बताओ इस चीज का मीनिंग क्या है? सर P और Q ओनली 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। यस, वेरी गुड। P और Q कैन टेक ओनली दीज फोर वैल्यूज, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। P का वैल्यू भी 1, 2, 3, 4 हो सकता है और Q का वैल्यू भी सिर्फ 1, 2, 3, 4 हो सकता है। नाउ अब आपको बताना है द नंबर ऑफ इक्वेशन of the form px square plus qx plus 1 is equal to 0 having real root। मतलब basically question क्या है ये समझो, question में ये बोला है कि p और q के ये चार value allowed है, तो यहाँ पे बहुत सारी equation बनेगी। P को 1 पुट करोगे, Q को 1, फिर P को 1, Q को 2, इस तरीके से आपको बहुत सारे केस मिलेंगे, बहुत सारी इक्वेशन मिलेगी। सो आउट ऑफ ऑल दोज इक्वेशन ऐसी कितनी इक्वेशन हैं जिनके रूट रियल हैं, हैविंग रूट्स रियल। समझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सॉरी बेटा, रिपीटेशन अलाउड है, वो रिपीटेशन यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, रिपीटेशन यूज कर सकते हैं, मतलब एट अ टाइम P और Q दोनों 1 भी हो सकते हैं, दोनों 2 भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये चलेगा। चलो एक बार चेक करो, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको लॉजिक प्रॉपर यूज करना है और अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर।
सर सेवन ओके एनीबडी एल्स गॉट द सेम आंसर बिकॉज सेवन ऑप्शन में तो है वी हैव फोर ऑप्शन सेवन एट नाइन एंड फिफ्टीन सो बाकी लोग भी चेक कर लो यस टेक योर टाइम सर सेवन यस सर सेवन ओके सो काफी लोग के आंसर सेवन आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है सबने सॉल्व कर लिया है स्टार्ट करो सॉल्यूशन यस यस ओके चलो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था और क्या इसका लॉजिक था ये समझना सबसे पहले मुझे बताओ किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल कब आते हैं सर जब यस जब आपका डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग यहाँ पे इसी कंडीशन को यूज करेंगे सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का डेल्टा लिखूंगा एंड देन आई ट्राई टू जस्टिफाई कि कौन कौन से वैल्यू पे आपके पास डेल्टा गिवन कंडीशन को या नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सो द इक्वेशन वॉज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब मैंने डेल्टा फाइंड आउट किया डेल्टा आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इन दिस केस इट शुड बी क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी नाउ इफ द रूट्स आर रियल इफ द रूट्स आर रियल देन इसका मतलब हुआ कि डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए दैट सिंपली मीन्स कि क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ फोर पी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब मैं यहाँ पे क्यू और पी के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई करेगा मुझे बताओ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्यू इक्वल टू फोर से अगर मैंने क्यू को फोर पुट किया तो पी का वैल्यू क्या क्या आ सकता है जिसपे ये इसको वन टू थ्री यहाँ पे वन टू इनफैक्ट वन टू थ्री फोर चारों हो सकते हैं ना मेरे हिसाब से तो सर फोर पे नेगेटिव नहीं नेगेटिव कैसे आएगा जीरो बनेगा सर फिर आंसर एट हो जाएगा हाँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग सेवन आप दे रहे थे तो मेरे हिसाब से आंसर सेवन नहीं था बट ठीक है चेक कर लेते हैं चलो इट शुड बी वन टू थ्री फोर सबको समझा मैंने क्या किया पहले क्यू को मैंने फोर पुट किया तो इट बिकम सिक्सटीन अब पी को वन पुट किया तो सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व यस इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन फिर क्यू तो सेम रखा फोर पी को टू पुट किया तो 16 minus 8 again positive correct है फिर 16 minus 12 अभी भी positive है and 16 minus 16 अब 0 है satisfy हो गया next is q is equal to 3 अब जब q को 3 put करेंगे तो मुझे बताओ p के लिए क्या-क्या possibilities हैं 1 and 2 नहीं अभी भी 1 2 and 3 अच्छा sorry 3 नहीं आएगा yes yes only 1 and 2 1 and 2 correct है it should be 1 as well as 2 क्योंकि यहाँ पे 3 put करने पे negative बन जाएगा जब मैंने q को यहाँ पे 3 put किया तो p को 1 पुट करने पे आ जाएगा 9 minus 4 that is equal to 5 9 minus of 8 that is again equal to 1 तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे नेक्स्ट इज अब हमने q को let us say 2 पुट किया अब जब q को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 and 2 1 and 2 नहीं बेटा यहां पे सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 2 पुट करेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा ना बेटा यस फॉर एग्जांपल अगर मैं q को 2 पुट करता हूं तो 2 स्क्वायर बिकम्स 4 माइनस ऑफ 4 into P, that is 4 into 1, तो यहाँ पे 4 into minus 4, 0, yes, correct है, और Q को आप 1 ले नहीं सकते, because अगर आप Q को 1 ले लोगे, तो ये हमेशा negative आएगा, so yes, the final combination becomes 7 only, जो आपने starting में answer बोला था 7, वो इस part के हिसाब से correct है, total आपको 7 combinations मिल रहे हैं, combination का मतलब क्या होता है, कि हमको एक variable नहीं, दो variable पे comment करना था, तो जब P और Q के combination बोलोगे, तो it should be 1, 4, next आपके पास 2, 4, next is 3, 4,
नेक्स्ट इज 4.4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.3, नेक्स्ट इज 2.3 एंड द लास्ट वन विच इज 1.2. दीज आर दी 7 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे, जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल देर आर 7 इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड जिनके रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, रियल. तो यस, इस क्वेश्चन में आपका आंसर करेक्ट रहेगा बेसिकली. सब सबको क्लियर है? सबने यही अप्रोच यूज किया, मुझे खाली कंफर्म कर दो. यस सर. यस सर. ठीक है, आप सब लोगों के कॉम्बिनेशन भी यही थे सर? गलती से एक रिपीट हो गया था. ओके. हाँ, वो ध्यान रखो, कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे आपके पास हर एक ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है कि 1.4 सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 4.1 भी करे. 1 सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ p, 4 सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ q. चलो ठीक है, नाउ इसी में एक वैरायटी और दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करो एंड लेट मी नो द अप्रोच एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट सेज इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ the roots of equation x minus m the whole upon mx plus 1 is equals to x plus n the whole upon nx plus 1 are reciprocal of each other. Are reciprocal of each other, then find the relation between m and n. Then find the relation between m and n. इस क्वेश्चन के लिए शायद ऑप्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन ऐसा है, फर्स्ट ऑप्शन n is equal to 0. सेकेंड ऑप्शन m इक्वल टू, यस बेटा, इसके रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये कंडीशन दी है. थर्ड इज m प्लस n इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रिसाइसली m और n के रिलेशन को जस्टिफाई करेगा. नाउ ट्राई करो, डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्वाड्रेटिक बना के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसका सोल्यूशन. अच्छा, सबको ये कंडीशन समझा कि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या होगा? यस सर, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. ओके, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो सेकेंड रूट 1 अपॉन अल्फा होगा. करेक्ट है, चलो सही है. अब आगे सॉल्व करो आप लोग.
सर ऑप्शन सी m plus n is equals to 1. नहीं बेटा, आई थिंक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, n is equal to 0. एक बार चेक कर लेते हैं. चलो अप्रोच क्या लगाया वो सब लोग यहाँ पे देखना. सो सबसे पहले आई थिंक आप लोगों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है उसको समझ लेते हैं, एंड देन विल सी कि कभी भी अगर ऐसा कंडीशन रहेगा कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं. सो पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. इक्वेशन दिया था x माइनस m द होल अपॉन एम एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस n द होल अपॉन एन एक्स प्लस 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेसिकली अपने पास x माइनस m टाइम्स ऑफ एन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस n टाइम्स ऑफ एम एक्स प्लस 1. अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो फर्स्ट टर्म मिलेगा मुझे एन एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज प्लस एक्स, थर्ड टर्म इज माइनस ऑफ एम एन टाइम्स ऑफ एक्स, एंड फोर्थ टर्म इज माइनस एम. नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज प्लस एक्स, नेक्स्ट अपने पास होगा एम इन टू एन टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस एन. थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब मैं सभी लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आई थिंक एक x से x कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं. सो शिफ्ट करने पे कुछ ऐसा दिखेगा n टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस n m टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सेम टाइप के टर्म्स को साथ में लिख दिया, माइनस ऑफ एम एन एक्स, और ये शिफ्ट होके भी माइनस एम एन एक्स बनेगा तो 2mnx हो जाएगा, माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेते हैं. जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि इस केस में अपने पास आई कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा एन माइनस एम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एम एन एक्स, माइनस कॉमन लिया तो ये बच गया एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0. अब ये बनेगा अपना कंडीशन. अब इसके बाद यहाँ पे समझना, ये तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया या इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया बेसिकली आई शुड से. अब मुझे खाली इतना बताओ कि अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इस कंडीशन को आप कैसे यूज कर सकते हो. अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है. यस, वेरी गुड. नाउ इस कंडीशन को ध्यान रखना, दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस केस, कि कभी भी आपके रूट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो ऑलवेज वन आएगा. क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर एक रूट अल्फा और एक वन अपॉन अल्फा है तो इस इक्वेशन का, हाँ, आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो अब मुझे बताओ कि इस इक्वेशन का जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता था. माइनस एम प्लस एन अपॉन एन एन माइनस एन, मतलब बेसिकली सी अपॉन ए. तो मैं सी अपॉन ए को लिख देता हूँ, माइनस ऑफ एम प्लस एन द होल अपॉन एन माइनस एम. ये होना चाहिए था इक्वल टू 1. सो दिस इज द कंडीशन, और आई शुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको किसी भी इक्वेशन में यूज करना रहेगा जहां पे रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने लिखा माइनस एम माइनस एन इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एन माइनस एम. जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे आपको कंडीशन मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0, और आई शुड से n is equal to 0, जो आपका ऑप्शन 1 था, ये रहेगा आपका प्रॉपर आंसर इस केस में, n should be equal to 0. अगेन ये क्वेश्चन को लेने का खाली एक ही लॉजिक था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करना आना चाहिए कि कभी भी अगर दो इक्वेशन या दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो हमेशा उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहां पे डाउट है किसी को भी. सर मैंने बिना सॉल्व करने का पहले सोचा तो फिर फर्स्ट वन कैंसिल कर दिया था. एक सेकंड, वन बाय वन. हाँ, पहले कोई एक बोलो, कोई भी बोलो. अच्छा, किस किस को डाउट था, नाम तो बता दो, मैं बोलता हूँ किसको पहले बोलना है. आमान. हाँ आमान, बोलो बेटा. सर मतलब क्वेश्चन देखे तो ऐसा दिख रहा था ना कि बिटवीन एम एन एन, तो फिर एन इक्वल्स टू जीरो में सोचा डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन सॉल्व करने पे वही आंसर है.
करेक्ट करेक्ट मतलब ऐसा कैसा होता है ना, हाँ मतलब जो आपने अप्रोच बोला बराबर था, क्वेश्चन देख के ऐसा डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना, नहीं डिस्कार्ड कर सकते थे बट क्या होता है ना कि इसलिए मैंने आपको जानबूझ के ऑप्शन भी दिए, बिकॉज क्या होता है कि ऑप्शंस के थ्रू आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब जैसे अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे आपसे बोलता ना कि मुझे एम और एन में रिलेशन चाहिए और एन इक्वल टू जीरो आपका ऑप्शन नहीं देता तो आप इसको फिर आंसर में डिस्कार्ड करते बिकॉज आपको क्या बोला था कि एम और एन में रिलेशन निकालो, बट ऐसा कुछ केस में आता है जहाँ पे डिपेंडेंसी दो पे ना हो कि एक ही वेरिएबल पे हो जाती है कि ये चीज सभी ट्रू होगी जब एन जीरो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एम पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी एम पे है एन पे नहीं है एक्चुअली बिकॉज एन को जीरो होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज किया, बट यस जो आपने बोला वो लॉजिकली सोचने में करेक्ट लगता है कि अगर सर ने एम और एन का रिलेशन बोला है तो वो रिलेशन तो खाली इन तीन ऑप्शन में दिख रहा है और तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर जब कंडीशन को सॉल्व किया तो आपको यही ऑप्शन मिला तो वो आपका आंसर हो जाएगा, एंड अगेन इट कुड बी द केस ऑफ मल्टीपल कंडीशन, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में एक ही आपका ऑप्शन आया है तो आपका एक ही आंसर रहेगा, बट हो सकता है कि आपको एन इक्वल टू जीरो के साथ साथ इनमें से भी कोई एक कंडीशन मिल जाता तो फिर आपके दोनों आंसर हो जाते बेसिकली। ओके और किसको डाउट था, और कौन पूछ रहा था बताओ, अमन के साथ में आई थिंक दो लोग बोल रहे थे, पुनीत था सर, डाउट नहीं था मतलब वो मैंने रेसिप्रोकल का स्टेप है ना सॉल्व किया, मतलब डायरेक्टली वन नहीं लिखा था उसको कैंसल आउट करके गया था। चलेगा चलेगा नो इश्यूज, देखो कैसा है ना लॉजिकली आप बोलो कि अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू वन या फिर आप उसको लिखो कि अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा अल्फा से अल्फा कैंसल इक्वल टू वन, कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकली दोनों सेम है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है बट लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम ही है अपने पास, सो आपको भी सेम आंसर ही मिला होगा। यस हाँ ठीक है, सो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस खाली इतना था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगली बार से अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा रहा कि रूट्स जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसको आपको यूज कैसे करना है, तो इसको आपको यूज करने के लिए सिंपल सा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है सो यहाँ तक के पार्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम, एनीवन? ओके सो आज हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, हाँ ये डायरेक्ट एग्जाम की क्वेश्चन है बेटा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इनमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ भी सकते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है आपके सारे, ऐसा मान के चलो, इसलिए मैंने एक सेपरेट प्रैक्टिस का सेशन लिया ताकि आपको क्या है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक का जो एक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 75% पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, एक टॉपिक पेंडिंग है बट वो टॉपिक बहुत मेजर है तो उसको मुझे प्रॉपरली एक फ्लो में ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसके पहले ये टॉपिक को रैप अप कर रहा था, एंड दिस इज द पार्ट जो आपके टेस्ट में आने वाला है, वो पार्ट टेस्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ तक का पार्ट हमने रिवाइज किया जहाँ पे हमने वैरायटीज कवर कर लिए, तो जो आपने 10th में पढ़ा होगा और जो यहाँ पढ़ा अब आपको डिफरेंस दिखा होगा कि 10th में जो हमने पढ़ा था वो पार्ट क्या था, वहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज थी और यहाँ पे एक्स्ट्रा वैरायटीज कौन सी आई है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। चलो सो विद दिस पार्ट क्वेश्चंस जितने भी थे जो हमने कंप्लीट कर लिए, नाउ सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, अगले सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एंड कल जो आपका डीएस है उसमें क्वाड्रेटिक की शीट जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है उसके जो भी डाउट्स होंगे वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो सो थैंक यू सो मच, क्लोज करते हैं सेशन को फिर। थैंक यू सर। अपलोड किया है उसके जो भी डाउट्स हैं उसको हम डीएस में डिस्कस करेंगे कल। ओके सर। ओके।